आज हम नए टाइप की स्वीट डिश बनाएंगे जो कि इन तरबूजों के पीस से बनेगा। ये छिलका बचा हुआ है, इनसे हम स्वीट डिश बनाएंगे, तरबूज का हलवा। देखिए, अब हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। अभी हमने तैयारी कर ली है, तरबूज को पीस के पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच सूजी, 3 चम्मच बेसन और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। अब ये हमने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है, एक बड़ी करछी, और अब हम इसमें डालेंगे सूजी और डालेंगे बेसन और इसे भूनेंगे, और अब हम इसे भूनेंगे धीमी आंच पे। अब ये बेसन भून गया है और अब हम इसमें इस पेस्ट को धीरे धीरे मिलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। जो इसमें छोटे छोटे पीसेस हैं ये भी गल जाएंगे ठीक से। इसमें 1 कटोरी चीनी मिला देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा, नहीं तो कम भी डाल सकते हैं। कितना बढ़िया कलर आ गया है, और आप जज भी नहीं कर सकते कि किस चीज़ से हलवा बना है। ये देखिए, अब हलवा तैयार है। अभी कढ़ाई छोड़ दी है और अब ये अच्छे से भुन गया है, पानी सारा सूख गया है और अब ये रेडी है हमारा हलवा। ये लीजिए, अब तरबूज का हलवा रेडी है। अब इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके खाइए।